लंबे समय से पाकिस्तान में कॉमेडी थिएटर की दुनिया पर राज करने वाले कलाकार उमर शरीफ का जर्मनी में निधन हो गया है। वो 66 साल के थे और उन्हें हृदय रोग से संबंधित बीमारी थी। उमर शरीफ को 28 सितंबर को इलाज के लिए जर्मनी के रास्ते पाकिस्तान से अमेरिका भेजा जा रहा था, लेकिन उनके पारिवारिक सूत्रों के अनुसार जर्मनी में उनके अस्थायी प्रवास के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और वे ठीक नहीं हो पाए। उमर शरीफ का असली नाम मोहम्मद उमर था। उनका जन्म 1955 में कराची में हुआ था। वह 4 साल के थे जब उनके पिता की मौत हो गई थी और उनके परिवार को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कराची के जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ पास में ही कव्वालों के घर थे। बचपन में वो उनके बच्चों के साथ खेलते थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने पड़ोस के अलग अलग पात्रों सहित प्रसिद्ध फिल्म अभिनेताओं के भाषण और शैली की नकल करना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि उमर शरीफ अपने चुटकुलों और गपशप के चलते पूरे इलाके में काफी लोकप्रिय हो गए। उमर शरीफ जब स्कूल के बाद गली से निकलते तो उनके आसपास लोगों की भीड़ लग जाती, वह उन लोगों को हंसाने लगते। महज 14 साल की उम्र में वो थिएटर से जुड़ गए। उनके स्टेज एक्टर बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कराची के एडम जी हॉल में एक नाटक में एक गुजराती अभिनेता को अपने किसी रिश्तेदार की मौत की वजह से नाटक छोड़ना पड़ा। शो से 2 घंटे पहले उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में कागजात का एक पैकेट सौंपा गया। इस नाटक में उमर शरीफ को 3 बार प्रवेश करना था। कराची के कई कलाकारों का कहना है कि उमर शरीफ ने अपनी पहली एंट्री में ही अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। जब उन्होंने स्टेज छोड़ा तो काफी देर तक तालियां बजती रहीं। शो के आखिरी दिन 14 साल के उमर शरीफ को नाटक में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 5,000 रुपए और 70 सीसी की एक मोटरसाइकिल दी गई। उन्होंने एक लेखक और निर्देशक के रूप में भी अपनी योग्यता साबित की। उमर शरीफ ने 70 से ज्यादा नाटकों की पटकथाएं लिखीं, जिनमें से लेखक, निर्देशक और अभिनेता वे खुद थे। इन नाटकों ने लोकप्रियता के कई रिकॉर्ड बनाए।